झारखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों प्रमुख व्यक्तियों में से जतरा भगत का नाम काफ़ी प्रमुख और उल्लेखनीय है। ये टाना भगत आंदोलन के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो दोस्तों, झारखंड में बहुत से ऐसे व्यक्तित्व हुए, बहुत से ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हुए जो झारखंड के लिए बहुत ही ज़्यादा गौरव की बात है। इन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए झारखंड के लिए। उसमें से बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, नीलांबर पीताम्बर, ऐसे बहुत सारे नाम आपको मिल जाएंगे। तो इनमें से जतरा भगत का नाम काफ़ी प्रमुख है, प्रसिद्ध है और उल्लेखनीय भी है। और ये प्रसिद्ध टाना भगत आंदोलन के जनक के रूप में भी यहाँ जाने जाते हैं। तो इनके बारे में पूरी जानकारी को देखते हैं, क्या है क्या नहीं है, और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं झारखंड के एग्जामों में, तो आपको पूरी जानकारी को ध्यान रखना है। तो जो चैनल में नया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन अपडेट और ऐसी ही जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारी चीज़ों को देखते हैं जो इनसे रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है। जतरा भगत का जन्म 2 अक्टूबर 1888 को वर्तमान के गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड के चिंगरी नावाटोली गांव में एक आदिवासी उरांव परिवार में हुआ था। तो दोस्तों, जतरा भगत का जन्म जो हुआ था वह 2 अक्टूबर 1888 यानी कि 2 अक्टूबर 1888 को वर्तमान के अभी जो है गुमला जिले, तो वहां का विष्णुपुर प्रखंड के चिंगरी नवाटोली गांव, ये नामों को ध्यान रखना है। तो यहीं पर एक आदिवासी उरांव परिवार में हुआ था। तो ये लोग आदिवासी उरांव परिवार से संबंधित थे हमारे जतरा भगत। इनके माता का नाम लिबरी भगत और पिता का नाम कोहरा भगत था, और इनकी धर्मपत्नी का नाम बुधनी भगत था। तो दोस्तों, इनके जो है माता का नाम लिबरी भगत, आपको नाम ध्यान में रखना है। साथ ही साथ इनके जो पिताजी का नाम था वह कोहरा भगत था, और इनकी जो है धर्मपत्नी जिनका नाम बुधनी भगत था। तो ये तीनों नाम आपको ध्यान रखना है। ऐसी मान्यता है कि जब जतरा भगत श्री तुरिया भगत से ओझा गुनी का प्रशिक्षण ले रहे थे, तब इन्हें 1914 में अचानक आत्मज्ञान या आत्मबोध प्राप्त हुआ, जिसके बाद से ये जतरा उरांव से जतरा भगत कहलाने लगे। दोस्तों, ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि जब जतरा भगत श्री तुरिया भगत से ओझा गुनी का प्रशिक्षण ले रहे थे, तो ये तुरिया भगत से अपना ओझा गुनी वाला प्रशिक्षण ले रहे थे, तब इन्हें 1914 यानी कि 1914 में अचानक से इनको आत्मज्ञान का बोध हुआ, और इसके बाद से ये जतरा उरांव से जतरा भगत कहलाने लगे। तो पहले इनको जतरा उरांव से जाना जाता था, लेकिन बाद में ये जतरा भगत कहलाने लगे जब से इनको आत्मज्ञान या आत्मबोध प्राप्त हुआ। जिस प्रकार से महात्मा बुद्ध को प्राप्त हुआ था, उसके बाद से वे बुद्ध कहलाने लगे थे, उसी प्रकार से यहाँ पर जतरा उरांव से जतरा भगत कहलाने लगे। उरांव लोगों की उस वक्त गिरी हुई अवस्था को देख कर ये 1914 में आंदोलन चलाए, जिसे टाना भगत आंदोलन कहा गया। दोस्तों, उस समय उरांव लोगों की, उरांव आदिवासी लोगों की जो अवस्था थी, जो सिचुएशन था, जो कंडीशन था, वो बहुत ही गिरा हुआ था। मतलब कि उस समय लगभग बहुत सारे चीज़ें ऐसे थी जिससे कि उरांव लोग, उरांव आदिवासी लोग थोड़ा सा आगे अपना जो ज़िंदगी से आगे बढ़ कर के वैसे ज़्यादा कुछ विकसित नहीं थे, विकासशील अवस्था में थे। तो ये देख करके जतरा भगत जो हैं वे 1914 में आंदोलन चलाए, जिसे टाना भगत आंदोलन कहा गया। तो टाना भगत आंदोलन, इनका जो अवस्था था उसको सुधारने के लिए जतरा भगत के द्वारा चलाया गया आंदोलन टाना भगत आंदोलन कहा गया, ये आपको ध्यान रखना है। यह आंदोलन धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए था, बाद में यह राजनीतिक रूप ले लिया। तो दोस्तों, उस वक्त तो यह जो आंदोलन था वह धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए था, क्योंकि उरांव लोगों की जो है अवस्था थी, जो उस समय सिचुएशन था, जो स्थिति थी, उसको सुधारने के लिए धार्मिक रूप से और पूरे समाज को विकास कराने के लिए या सामाजिक सुधार के लिए यह आंदोलन था। लेकिन बाद में यहाँ पर भी राजनीतिक यानी कि पॉलिटिक्स घुस गया। तो वहाँ पर उस समय बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, अंधविश्वास था और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो उरांव लोगों में थी, लेकिन उससे ये आगे बढ़ करके विकास अवस्था में लाना चाहते थे जतरा भगत। 1916 में जतरा भगत को गिरफ्तार कर 1 वर्ष की सज़ा सुनाई गई। इन्हें रांची जेल में रखा गया था। दोस्तों, जब ये टाना भगत आंदोलन चला रहे थे जो कि एक धार्मिक और सामाजिक सुधार था, तो बाद में इन्हें 1916 यानी कि 1916 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया और 1 वर्ष की सज़ा सुनाई गई थी और इन्हें रांची जेल में रखा गया था। इन्होंने अपने उरांव भाई बहनों से मदिरापान नहीं पीने, मांस नहीं खाने, जीवों की हत्या नहीं करना, बैठ बेगारी समाप्त करना और अंग्रेज़ों के आदेश को न मानने आदि के लिए अपना पुरजोर लगाया। तो दोस्तों,
जो चतरा भगत हुए उन्होंने अपने उरांव आदिवासी भाई बहन आदिवासी समाज के लोगों को मदिरापान नहीं करने के लिए कहने लगे, मांस मछली नहीं खाने के लिए कहने लगे और जीवों की हत्या भी नहीं करना है, ऐसे भी इन्होंने अपने उरांव भाई बहनों से कहा। और साथ साथ में बैठ करके बेगारी नहीं करना है, मतलब बैठ बैठ के बेगारी नहीं होना, तो इसको समाप्त करने के लिए भी इन्होंने अपनी ओर से बहुत ही कोशिश की। और साथ ही साथ इन्होंने अंग्रेज़ों के जो आदेश थे उनको नहीं मानने के लिए भी अपने उरांव भाई बहनों को समाज के लोगों को इन्होंने कहा। और इसके लिए इन्होंने अपना बहुत ही ज़्यादा जोर लगाया, बहुत ही प्रयास किए। तो उस समय ये अपने उरांव भाई बहनों के विकास के लिए ये सब सारी चीज़ें सोच रहे थे और अपना प्रयास कर रहे थे। इन्हें जेल से सशर्त छोड़ा गया कि वह अपने सिद्धांतों का प्रचार नहीं करेगा और शांति बनाए रखेगा। बाद में जब इन्हें जेल से छोड़ा गया तो इनके सामने शर्त रखा गया कि ये जो है अपने सिद्धांत जो है अपने जो विचार है उसका प्रचार नहीं करेंगे अपने आदिवासी समाज के लोगों के साथ में। ये अपना सिद्धांत जो है उनको नहीं बोलेंगे, उनका प्रचार नहीं करना है इनको, ऐसा कहा गया। और साथ साथ जो उस क्षेत्र था उस समय का जो क्षेत्र था जहाँ तक इनकी पहुँच थी तो वहाँ पर तक पूरी तरीके से शांति बनाए रखने के लिए ये प्रयास करेंगे, ऐसे कह करके ऐसे शर्त रख करके इनको जेल से छोड़ा गया। जेल में मिली घोर प्रताड़ना के फलस्वरूप जेल से बाहर आने के 2 महीने बाद 1917 में इनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों जेल में उस समय इनको बहुत प्रताड़ित किया गया, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर इनके साथ में अत्याचार भी किए गए। तो इसके कारण से जब ये जेल से बाहर हुए तो जेल से बाहर आने के 2 महीने के बाद ही 1917 में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये डेट आपको ध्यान रखना है कि 1917 को वीर टाना भगत आंदोलन के जनक जतरा भगत की मृत्यु हो गई। टाना भगतों ने जतरा भगत के आदर्शों से प्रेरित होकर अपने आप में थोड़ी से सुधार लाए और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए। तो दोस्तों बाद में इनकी मृत्यु होने के बाद जब लोगों को लगा, आदिवासी लोगों को लगा कि इनके आदर्शों को मानना चाहिए, इनके आदर्शों से हुए प्रेरित हुए और अपने आप में ये लोग थोड़ी सी सुधार लाए, अपने आप को थोड़ा सा आगे की ओर ले जाने में इनकी सोच आई, उसके बाद से जो आदिवासी लोग थे जो टाना भगत हुए लोग स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए कि अंग्रेज़ों के चंगुल से हमें मुक्त होना है, अपनी जो है आज़ादी को अपने ही रखना है। ये इस प्रकार से सोच करके ये स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए। स्वतंत्रता के बाद 1948 में भारत सरकार ने टाना भगत रैयत कृषि भूमि पुनर्वापसी अधिनियम पारित किया। तो दोस्तों यहाँ पर इतनी सारी चीज़ होने के बाद में जब स्वतंत्रता संग्राम भी कंप्लीट हो गया, भारत अपना देश आज़ाद भी हो गया, तब 1947 में भारत सरकार ने टाना भगत रैयत कृषि भूमि पुनर्वापसी अधिनियम पारित किया, जो कि एक अच्छी चीज़ें की गई भारत सरकार की ओर से कि जो टाना भगत आंदोलन के जो लोग थे जो आदिवासी लोग थे उनके जो है रैयत कृषि भूमि पुनर्वापसी अधिनियम पारित कर दिया, जो कि काफ़ी अच्छी रही भारत सरकार की तरफ से किया गया यह कार्य। तो दोस्तों यहाँ पर जतरा भगत के बारे में जितनी जानकारी थी, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना थी, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो आपको यहाँ पर इतनी सारी जानकारी को ध्यान रखना है। इनका जो जन्म हुआ था गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड के चिंगरी नवाटोली में 2 अक्टूबर 1888 को, ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ इनके माता पिता का नाम भी आपको याद रखना है। और फिर ये जो है कब आंदोलन चलाए थे टाना भगत आंदोलन, तो ये चलाए थे 1914 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको जो है ये कब जेल से रिहा हुए थे, कब जेल में इनको रखा गया था ये भी, और साथ ही साथ में ये अपने जो है स्वर्ग में जगह कब पाई यानी कि इनकी मृत्यु कब हुई, ये भी आपको साथ ही साथ ध्यान रखना है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी यह भी है कि 1948 में टाना भगत रैयत कृषि भूमि पुनर्वापसी अधिनियम पारित किया गया भारत सरकार की ओर से। तो आपको इतनी सारी जानकारी को ध्यान रखना है जतरा भगत से। तो ये बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, जो अपने समाज के लोगों के लिए इतना भलाई सोच रहे थे और उस प्रकार से इन्होंने अथक प्रयास भी किए।